गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम और अभी बज रहे हैं 11 बजने वाली है और अभी अभी एक सूचना आई है हमें कि सोनप्रयाग में बादल फटा है, लिंचोली और मतलब उसके बीच में बादल फटा है जहाँ से पूरा सोनप्रयाग मार्केट खाली किया गया है। तो अभी अभी हम लोग बाहर पे आ रखे हैं और पूरी जो मतलब सूचना भी हाई अलर्ट किया गया है कि उधर से बहुत ही खतरनाक वाली नदी आ रही है अगस्तमुनि और रुद्रप्रयाग वालों को अलर्ट किया गया है और यहीं पे मंदाकिनी नदी है पुल के यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है। हम लोग बाहर पे आ रखे हैं, हम क्या पूरा गंगानगर वाला छत में आ रखा है, तो अभी हम देखते हैं क्या होता है और प्रे करते हैं किसी को कुछ ना हो क्योंकि बहुत सारे घर हैं नदी के अगल बगल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कुछ ही ना हो, बहुत सारी आवाज़ आ रही है, सिटी की आवाज़ आ रही है, लोगों की आवाज़ आ रही है और नदी की आवाज़ आज से पहले इधर तक कभी नहीं आई। नदी की जो हवा होती है वो यहाँ तक आ रही है और आवाज़ तो भाई नदी की यहाँ तक आ रही है, बोलो कितनी दूर है नदी। तो अभी बहुत डर लगता है, हम लोग 11 बजने वाले हैं तो अभी हम लोग सब बाहर पे आ रखे हैं और गंगानगर वालों की तो नींद उड़ गई है। तो आए हम प्रे कर रहे हैं कि कुछ ना हो भाई, इधर से कुछ साफ तो दिख नहीं रहा है, बस मतलब थोड़ा बहुत नदी दिख रही है पर कैमरे पे नहीं दिख रही है और बहुत सारे लोगों ने मतलब पार्किंग की होगी ना गंगानगर एलएनटी में तो वो भी हटा रहे हैं और इन यहाँ पे भी कुछ लोग आ रखे हैं क्योंकि इनकी गाड़ी है ना उस साइड। तो भाई अभी अभी लोगों को पता चला, लोग सो गए होंगे इतने टाइम तक, पहाड़ों में जल्दी खाना खा के सो जाते हैं तो बहुत सारे लोग सो भी गए होंगे, लेकिन उनको अब पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा सीन हो तो वो जल्दी से आ के अपनी गाड़ी को निकालने के लिए और मतलब क्या ही बोलेंगे गाइस। लोग देख सकते हो मतलब आपको दिख नहीं रहे होंगे पर लोग देखो चल रहे हैं, ज़्यादा खतरा तो गाइस उनको है जो नदी किनारे जिनका घर है। और अभी हम लोग जितना देख सकते हैं इतनी दूर से मतलब बहुत ज़्यादा आगे नदी मतलब, और गाइस हल्की हल्की बारिश भी आना स्टार्ट हो गया। बस प्रे करते हैं कि जो सीन जो आपदा 2013 में आई वो दोबारा 2024 में ना आए, अगर ऐसा सीन हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि बहुत सारे घर भी है एलएनटी की साइड। बस प्रे कर रहे हैं और बारिश में बहुत खतरनाक वाली आ रही है और ये सीज़न ही ऐसा है रेन वाला बस।